हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र। टीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके कमेंट्स पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगा, जिनके नाम हैं शैलेश जी, किशन जी, देवराज यादव, चंदन जी, प्रियांशु एंड मैनी मोर। सो गाइज, आज शुरू करते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन पार्ट टू। दोस्तों, पार्ट टू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं पार्ट वन लेकर के आया था वह एक जस्ट बेसिक क्वेश्चन था। आज मैं डीपली आपको इसमें बाई कंसेप्ट एंड इसपे और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच करूंगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पहले बार की तरह बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बस याद रख लेना जरूरी है ताकि आप आसानी से और भी इन सारी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं वो कौन सी पॉइंट है जिनको हमें याद रख लेना जरूरी है। तो नंबर वन पॉइंट कहता है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष बाद उसकी आयु x प्लस t वर्ष होगी। जैसे किसी भी व्यक्ति का उम्र, वर्तमान उम्र x है, x के जगह कुछ भी हम ले सकते हैं, 5 हो, 4, कुछ भी हो, और अगर 2 साल बाद कहे तो उसमें 2 साल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नंबर टू पॉइंट कहता है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो तो t वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। अब पहले की बात कर रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। मतलब जैसे अभी किसी व्यक्ति का उम्र हो 5 साल, ठीक है, तो 2 साल पहले क्या होगी, तो उसमें 2 साल घटा देंगे यानी कि 3 साल होगा। नंबर तीसरा पॉइंट कहता है, यदि किसी व्यक्ति की T1 वर्ष पहले x वर्ष रही होगी तो T2 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो T1 वर्ष पहले, तो उसको वर्तमान में लाने के लिए हमें उसमें T1 को ऐड करना होगा, तो x प्लस T1, और फिर जब वर्तमान में आ गया तो फिर उसमें बाद अगर पूछे 4 साल बाद या 2 साल बाद तो उसमें फिर ऐड कर देंगे। यानी कि सबसे पहले तो वर्तमान में लाने के लिए ऐड किए और जब वर्तमान में आ गए प्रेजेंट में, ठीक है, फिर उसके बाद जितना साल बाद बोले उतना ऐड कर देंगे, जितना भी बोले। तो वो इसीलिए यहाँ T2 मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आप अगर याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पीछे की ओर ले चलना चाहता हूँ, जो पहले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे करते थे, थोड़ा सा उसको बस याद दिलाना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते थे, जैसे कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे करते थे, बस उसको एक बार याद कर लेंगे। प्रियांशु एवं हिमांशु की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगी तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते थे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो बस ये इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो और भी इससे थोड़ा डीपली होंगे, हटके होंगे, ताकि अगर ये बता देंगे तो आपको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, तो प्रियांशु को मैंने पी लिख दिया, रेशियो हिमांशु एच, और 1:2, और यही कहता 5 साल बाद अनुपात हो जाता है 2:3, ठीक है। तो क्या करते थे कि बड़े वाले से छोटे वाले में लेस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो आ जाएगा 1, और फिर 1 को इस जो 5 साल बाद दिया उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5:1, 5। अब क्या करना था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 = 3 और 2:2 = 4। अब यहां पे भी वही करेंगे कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लेंगे, यानी 2:2 = 4, 4 - 3, तो 4 - 3 जो आएगा मेरा 1। अब ये मेरा न्यूमरेटर हो गया और ये 1 मेरा डिनोमिनेटर हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 और ये मेरा हो गया मेन वैल्यू, ठीक है। अब मेन वैल्यू को क्या करते थे कि जो पुराने वाले रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5:1 = 2:5,
तो इसका हो जाएगा 5 साल और इसका हो जाएगा 10 साल। यानी प्रियांशु का उम्र होगा, प्रियांशु का वर्तमान उम्र होगा 5 साल और हिमांशु का होगा 10 साल। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें कैसे बनाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पहले बार की तरह भी इस बार भी बहुत पसंद आएगा। देखिए क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व नेहा की आयु अपने पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। तो 8 वर्ष बाद नेहा की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगुनी होगी। यानी इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है। एक तो 8 वर्ष पूर्व और एक 8 वर्ष बाद। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग किए थे दोस्तों उसमें ऐसा नहीं होता था, बस सिंपल क्वेश्चन होता था। इसमें 2 टाइम हमको दे चुका है, एक पहले का और एक बाद का। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो नेहा की आयु अपने पुत्री की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि नेहा जो होगी वो 4 होगी, तभी तो उसकी पुत्री पुत्री जो होगी, यानी पुत्री को हम डी लिख देते हैं, पुत्री 1 होगी। यानी ये 4 है तो ये 1 है, ठीक है। और तो ये 8 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व जी। तो अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद नेहा की आयु अपने पुत्री की आयु से दुगनी होगी। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद दुगनी होगी, तो दुगनी के लिए क्या करेंगे, यानी नेहा होगी 2 तो उसकी जो पुत्री होगी वो होगी 1। और ये 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 8 साल पहले और 8 साल बाद, इन दोनों अगर ईयर का जो गैप है वो होगा 16 साल। तो इसको 16 साल को मैं यहां पुट कर दूंगा, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में करते थे, एक बीच वाले जो आता था उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो बड़े वाले छोटे वाले को लेस कर लेंगे, तो 2 में से 1 गया 1 और 1 गुणा 16, तो ये हो गया 16। अब क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि हर बार क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करते थे, 4 1 जा 4 और 2 2 2 1 जा 2। तो बड़े वाले से छोटे वाले को लेस कर लेंगे, यानी कि 4 में से 2 गया तो हो गया 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दुना 16, ये मेरा हो गया 8 और ये हो गया मेरा मेन वैल्यू। और मेन वैल्यू को हम लोग जो पहले 8 वर्ष पूर्व है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 into 4 = 32 ratio 8 into 1 = 8, ठीक है। तो ये 8 वर्ष पूर्व है। अब इसमें वर्तमान में लाने के लिए हमें 8 साल इसे ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें अगर 8 ऐड करते हैं तो ये हो गया 40 और इसमें 8 करेंगे ऐड तो ये हो गया 16, ठीक है। यानी कि नेहा की जो उम्र होगी वो होगी 40 वर्ष और उसकी पुत्री का जो एज होगा वो होगा 16 वर्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है, जीतन और धर्म की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले जीतन की आयु धर्म की आयु से 3 गुनी थी, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो जीतन और धर्म की आयु का जो अंतर है वो है 16 वर्ष, 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो था वो है 3:1 और ये हो गया जो अंतर है 6 वर्ष पहले का है, पहले का। और क्वेश्चन के अनुसार जो अंतर है वो है 16 वर्ष और मेरा अंतर है, इन दोनों का अंतर है 2, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया और ये इसका जो अंतर है वो है 16। तो 16 / 2 ये मेरा हो गया 8, 8 2 जा 16, ये मेरा आ गया मेन वैल्यू। अब देखिए आप तो यहां तक अब समझ गए होंगे कि ये जो मेन वैल्यू है इसको बस हम रेशियो में गुना कर देंगे, तो 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8। अब क्या करेंगे, वर्तमान आयु कह रहा है तो ये 6 वर्ष पहले है, तो इसमें क्या करेंगे 6 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। यानी कि इसमें 6 साल प्लस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और अगर इसमें 6 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 14। यानी कि जीतेन का जो उम्र होगा वो 30 और धर्म की जो उम्र होगा वो होगा 14 साल। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्या कहता है। टिंकू और मंटू, एक्चुअली ये जो नाम है टिंकू और मंटू, ये मेरे मित्र हैं, उन्हीं के नाम को मैंने यहाँ पे लिखा है। टिंकू और मंटू की आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे, मात्र 5 या 10 सेकंड में आप इसे सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये 3 रेशियो यानी कि ये हो गए टिंकू जी और ये हो गए मंटू जी, T4 टिंकू और M4 मंटू, ठीक है। तो टिंकू और मंटू का जो अनुपात है वो है 3:5। अब इनके जो आयु का योग दे रखा है वो है 80 वर्ष और मेरा रेशियो का जो योग है वो हो गया 5:3:8, ठीक है, ये हो गया 8 और उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार है 80 डिवाइड कर देंगे 8×10^80, ये मेरा मेन वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 10 आया है इसको मैं 3 और 5 से गुणा कर दूंगा, यानी 3×10^8 5×10 यानी कि 30:50। अब कह रहा है 10 साल बाद, तो इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो ये हो गया 40, इसमें 10 साल ऐड कर देंगे तो ये हो गया 60, कटेगा तो काट देंगे, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, 2:3 यानी कि टिंकू और मंटू का जो आयु का अनुपात होगा 10 साल बाद वो होगा 2:3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व खुशबू पूजा की आयु से तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद खुशबू की आयु पूजा की आयु का 5/3 होगी, तो पूजा की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो 6 वर्ष पूर्व वो खुशबू पूजा की आयु से तिगुनी थी, यानी कि खुशबू 3 होगी तो पूजा 1 होगी, क्योंकि ये तिगुनी थी 6 वर्ष पूर्व, ये तिगुनी थी यानी 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, बिफोर की बात कर रहा है। तो ये हो गई खुशबू और ये पूजा। अब क्या कहता है, आफ्टर सिक्स ईयर 6 साल बाद खुशबू पूजा की आयु की 5/3 होगी, तो वर्तमान कहना है, तो मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि 5/3 होगी तो किसके, 6 वर्ष बाद खुशबू पूजा की आयु ना, तो यानी खुशबू पूजा की 5/3 होगी, यानी कि ये हो गया 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, ठीक है, यानी कि K/P = 5/3 यानी कि 5:3। और यहाँ पे ईयर का जो गैप है 6 साल पहले और 6 साल बाद, यानी कि टोटल जो गैप हुआ वो 12 साल, ठीक है, यानी कि पहले का जो रेशियो था वो है 3:1 और इन दोनों का जो ईयर का गैप है 12 साल और बाद वाला जो रेशियो 6 साल बाद वो है 5:3। तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लेंगे, 5 - 3 = 2×12 = 24 एंड 3×3 = 9 और 5×1 = 5, 9 - 5 = 4 डिवाइड कर दिए, 6 मेरा मेन वैल्यू हो गया, ठीक है। ये जो 6 मेरा मेन वैल्यू हुआ उसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये पता चल जाएगा कि कितना है इसका, तो यानी कि 6×3:6×1 18 6×3 = 18 6×1 = 6। अब क्या कहता है कि पूजा की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पूजा की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें 6 साल ऐड करना होगा पूजा में, तब ये वर्तमान हो जाएगा यानी कि ये हो गया 6 साल, तो यानी 6 से 12 साल, ये हो गया आंसर। अगर पूछता कि खुशबू की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोनों का, तो इसमें भी 6 साल जोड़ देते हैं तो ये हो जाता 24 साल, लिख देते हैं 24 साल, यहाँ पे इसमें भी 6 साल ऐड कर देते हैं, ये हो गया, यानी इसका खुशबू की उम्र हो गई 24 साल और
पूजा की उम्र हो गई 12 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यानी 10 वर्ष पूर्व जो 10 ईयर बिफोर की बात कह रहा है, बिफोर, ठीक है, 1:2:3 था, यानी 10 साल पहले की बात करें, यानी कि अभी जो है एक्स वाई और जेड का जो योग है वो है 90 वर्ष, और 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल एक्स भी कम होगा, वाई भी कम होगा और जेड भी कम होगा, यानी कुल मिलाकर के 10+10+10 यानी कुल मिला के 30 कम होंगे, यानी कि घटा लेंगे इसको, यानी 60 हो गया। तो ये हो गया 60, और मेरे अनुसार जो रेशियो का योग है 1:2:3 यानी कि 3:2:5 और 1:6 यानी कि 60/6 10 मेरा मेन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मेन वैल्यू को क्या करेंगे, इससे मैं जो 10 साल पहले का है उसको गुना कर लेंगे, यानी कि 10:1:10:2:10:3 यानी कि 10:10:10:10:20:10:30 यानी कि वाई का पूछ रहा है तो 20 साल, और अगर एक्स का पूछता तो 10, और जेड का पूछेगा तो 30, यानी कि वाई की वर्तमान आयु जो होगा वो होगा 20 साल। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। दोस्तों सोहन लाल द्विवेदी जी का अभी मुझे एक पंक्ति याद आ रहा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद जय भारत, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, डीके पाठशाला।